हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद समीर। फ्रेंड्स, जो पौधा अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, पिछली वीडियो में मैंने इसकी सीडलिंग करना सिखाया था और आपको बताया था कि मिर्च की सीडलिंग कैसे करते हैं। ये उसका अपडेट है और मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको दिखाते हुए, क्योंकि एक नहीं बल्कि सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो गए हैं और आज ये 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। इसके बाद मैं आपको इसको कैसे ट्रांसप्लांट करते हैं उसका भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें एक नहीं बल्कि जितने भी सीड मैंने लगा रखे थे, जितने भी बीज मैंने लगाए थे, वो लगभग सारे बीज इसमें ग्रो कर चुके हैं। और इसको देखिए, मैंने कितने छोटे से कंटेनर में ग्रो किया था। जो गैलन होता है उसके ऊपर वाला अपर वाला जो पार्ट होता है उसको मैंने कट करके इसके अंदर इसको ग्रो किया है। सो लगभग 10 दिन बाद का मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 10 दिन में जब ये थोड़े से प्लांट और बड़े हो जाएंगे और हेल्दी हो जाएंगे, सो उन्हें मैं ट्रांसप्लांट करके उसका वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, मैंने इस चीज़ को अपडेट में इसलिए अभी दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ इन्फॉर्म कर पाऊँ। अगर आपने अभी तक सीडलिंग नहीं की है तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अब आप अगर सीडलिंग करें, जैसे कि मेरा रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है। तो इसमें क्या होता है, जब आप मिर्च की सीडलिंग करते हो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है, उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पौधे को निकाल कर दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जब आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी इस साइड में आप देखें तो इसमें बहुत सारी मिर्च के पौधे हो गए हैं। ये देखिए, सो बहुत ज़्यादा मिर्च के पौधे होने की वजह से इसको निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और चूंकि ये बहुत ज़्यादा बुशी है तो एक साथ हम 2-3 प्लांट भी नहीं लगा सकते। और होता ये है कि जो बचे कुचे प्लांट्स हैं उनकी रूट भी, यानी कि उनकी जड़ें खराब हो जाती हैं और जो हेल्दी प्लांट्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अगर मिर्च की सीडलिंग करें तो उस पर एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर सिर्फ 10-5 मिनट तक, उसमें आपको क्या करना है कि आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिर्च की सीडलिंग्स को लगाएं। यानी आप एक एक इंच, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक यहाँ तो एक वहाँ, फिर एक यहाँ पे, तो अगर इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके 15-20 पौधे तैयार हो जाएंगे, जिसमें से आप इजीली उनको कैरी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ मैंने ऐसे ही सेपरेट किए थे, लेकिन कुछ सीड्स जो मेरे पास एक्स्ट्रा बच गए थे उसको मैंने यहाँ पे ऐसे स्प्रिंकल कर दिया, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे बुशी हो गया। अगर आप ऐसा काम करेंगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। और इसकी सीडलिंग के बारे में मैं बात कर लूँ तो इसकी सीडलिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया, सिंपल सी चीज़ है। 50% मैंने गार्डन सॉइल, यानी अपने जो नॉर्मल मिट्टी होती है वो लिया है, और 50% मैंने इसमें कंपोस्ट मिलाया है, यानी कि खाद मिलाया है। अलग से इसमें मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। और सिंपली करना क्या है, आपको एक इस तरह का कोई भी आप एक पॉट ले लीजिए और उस पॉट के अंदर आप मिट्टी को, दोनों को, 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट यानी कि खाद, इन दोनों चीज़ों को आप मिला लीजिए। और मिलाने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद उसको इस तरह के कोई छोटे से पॉट में आप, क्योंकि सीडलिंग आप बड़े पॉट में डायरेक्टली नहीं कर सकते, सो छोटे से पौधे में पॉट में पहले आप इसको ऐड करें और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी आप बचा के रखें और मिर्च के जो बीज होते हैं उन बीजों को आप यहाँ ऐसे धीरे 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 स्प्रिंकल करें। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कुछ बीज ले लीजिए और सिंपली आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बीज हैं यहाँ पे रखे हुए मैंने। इस तरह से आपको बीज को बिल्कुल स्लोली, अगर एक यहाँ पे और एक आपको यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस बनाने के बाद आप उसके अंदर ऐड कर दीजिए। और मैंने क्या किया था, इसको ऐसे स्प्रिंकल कर दिया इस तरह से, देखिए मैंने स्प्रिंकल कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे जो बीज हैं वो आज देखिए इस तरह से बुशी हो गए हैं। सो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। अगर आप इनको पॉइंट बाय पॉइंट लगाएंगे सो इससे आपका पौधा भी अच्छे से ग्रो करेगा, काफ़ी हेल्दी प्लांट होगा। और जब आपको ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ेगी सो उस टाइम पे आप इसको अच्छे से निकाल भी पाएंगे, जिससे रूट्स भी डैमेज नहीं होंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया और जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।